आईपीएल 2023 के एक और शानदार मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि ये शानदार मुकाबला एम चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया और वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में केवल 144 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर, और वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18 ओवर में ही 147 रन बना दिए और कोलकाता ने इस मुकाबले को आसानी से जीत लिया। दोस्तों आपको बता दें कि इस शानदार मुकाबले में दोनों टीमों की तरफ से बेहतर बल्लेबाजी देखने को मिली है, जहां पर सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से बल्लेबाजी की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से सबसे ज्यादा 48 रन की पारी शिवम दुबे ने खेली। उसके बाद डीवॉन कॉनवे ने 30 रन और रविंद्र जडेजा ने 20 रन की शानदार पारी खेली। और वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से बल्लेबाजी की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से सबसे ज्यादा 57 रन की पारी नीतीश राणा ने खेली। उसके बाद रिंकू सिंह ने 54 और जेनसन रॉय ने 12 रन की शानदार पारी खेली। दोस्तों आपको बता दें कि इस शानदार मुकाबले के बाद आईपीएल के पॉइंट्स टेबल में खलबली मच गई है, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स को फायदा तो वहीं पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स को भयंकर झटका लगा है। दोस्तों हम आपको आईपीएल के पॉइंट्स टेबल की पूरी जानकारी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको क्या लगता है कि इस बार आईपीएल का खिताब कौन सी टीम ले जाएगी, हमें कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आईपीएल 2023 के पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं आखिरी यानी कि 10वें पायदान की, जिस पर दिल्ली कैपिटल्स बनी हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स ने अभी तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें 4 में जीत और 8 में भयंकर हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली कैपिटल्स के सबसे कम 8 पॉइंट्स हैं और वहीं नेट रन रेट -0.686 है। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले मुकाबले में हार के बाद दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं 9वें पायदान की, जिस पर सनराइजर्स हैदराबाद बनी हुई है। हैदराबाद ने अभी तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें 4 में जीत और 7 में हार का सामना करना पड़ा है। सनराइजर्स हैदराबाद के भी दिल्ली की तरह 8 पॉइंट्स हैं और वहीं नेट रन रेट -0.471 है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स की तरह सनराइजर्स हैदराबाद भी अब प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं 8वें पायदान की, जिस पर पंजाब किंग्स बनी हुई है। पंजाब ने अभी तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें 6 में जीत और 6 में हार का सामना करना पड़ा है। पंजाब के 12 पॉइंट्स हैं और वहीं नेट रन रेट -0.268 है। पंजाब को अगर प्लेऑफ में खेलना है तो अभी आगे आने वाले 2 मुकाबलों में से लगातार 2 मुकाबले जीतने होंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 7वें पायदान की, जिस पर कोलकाता नाइट राइडर्स बनी हुई है। कोलकाता ने अभी तक 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें 6 में जीत और 7 में भयंकर हार का सामना करना पड़ा है। कोलकाता के 12 पॉइंट्स हैं और वहीं नेट रन रेट -0.256 है। दोस्तों आपको बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स की तरह कोलकाता नाइट राइडर्स भी अब प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 6वें पायदान की, जिस पर राजस्थान रॉयल्स बनी हुई है। राजस्थान ने अभी तक 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें 6 में जीत और 7 में हार का सामना करना पड़ा है। राजस्थान के भी 12 पॉइंट्स हैं और वहीं नेट रन रेट 0.140 है। दोस्तों आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स की तरह अभी राजस्थान रॉयल्स भी कल के मुकाबले में हार करके प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं 5वें पायदान की, जिस पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनी हुई है। बैंगलोर ने अभी तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें 6 में जीत और 6 में हार का सामना करना पड़ा है। बैंगलोर के 12 पॉइंट्स हैं और वहीं नेट रन रेट 0.166 है। बैंगलोर को अगर प्लेऑफ में खेलना है तो अभी आगे आने वाले 2 मुकाबलों में से लगातार 2 मुकाबले जीतने होंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 4थे पायदान की, जिस पर लखनऊ सुपर जायंट्स आ चुकी है। लखनऊ ने अभी तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें 6 में जीत और 5 में हार का सामना करना पड़ा है। लखनऊ के 13 पॉइंट्स हैं और वहीं नेट रन रेट 0.309 है। लखनऊ को अगर प्लेऑफ में खेलना है तो अभी आगे आने वाले 2 मुकाबलों में से लगातार 2 मुकाबले जीतने होंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 3रे पायदान की, जिस पर मुंबई इंडियंस बनी हुई है। मुंबई ने अभी तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें 7 में जीत और 5 में हार का सामना करना पड़ा है। मुंबई के 14 पॉइंट्स हैं और वहीं नेट रन रेट -0.117 है। मुंबई को अगर प्लेऑफ में खेलना है तो अभी आगे आने वाले 2 मुकाबलों में से केवल 1 मुकाबला ही जीतना होगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 2रे पायदान की, जिस पर चेन्नई सुपर किंग्स बनी हुई है। चेन्नई ने अभी तक 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें 7 में जीत और 5 में हार का सामना करना पड़ा है। चेन्नई के 15 पॉइंट्स हैं और वहीं नेट रन रेट 0.381 है। चेन्नई को अगर प्लेऑफ में खेलना है तो अभी आगे आने वाले 1 मुकाबले में से 1 मुकाबला ही जीतना होगा, तभी कहीं जाकर के चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ में अपनी जगह बना पाएगी। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पहले पायदान की, जिस पर गुजरात टाइटंस बनी हुई है। गुजरात ने अभी तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें 8 में जीत और 4 में हार का सामना करना पड़ा है। गुजरात के सबसे ज्यादा 16 पॉइंट्स हैं और वहीं
नेट रन रेट 0.761 है। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले मुकाबले को जीत करके गुजरात टाइटंस ने प्लेऑफ्स में अपनी जगह बना ली है। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से जान लेते हैं आईपीएल के पॉइंट्स टेबल को एक ही समीकरण में, जिसमें पहले स्थान पर गुजरात टाइटंस सबसे ज्यादा 16 पॉइंट्स के साथ बनी हुई है। उसके बाद दूसरे पायदान पर चेन्नई सुपर किंग्स 15 पॉइंट्स के साथ बनी हुई है। तीसरे पायदान पर मुंबई इंडियंस 14 पॉइंट्स के साथ बनी हुई है। उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स चौथे पायदान पर 13 पॉइंट्स के साथ बनी हुई है। उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स 5वें, 6वें, 7वें और 8वें स्थान पर 12-12 पॉइंट्स के साथ बनी हुई है। और आखिर में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स 9वें और 10वें स्थान पर 8-8 पॉइंट्स के साथ बनी हुई है। दोस्तों यही था आज के आईपीएल के पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण। दोस्तों अगर आप भी आगे आने वाले आईपीएल की और भी जानकारी जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको क्या लगता है कि इस बार कौन कौन सी टीमें प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर पाएंगी, हमें कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।